दौसा में आज कांग्रेस की रैली होनी है। आपको बता दें कि दौसा में ईआरसीपी पर कांग्रेस की यह रैली होगी और रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। दोपहर 1 बजे दौसा प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। सीएम गहलोत, डोटासरा, रंधावा भी मौजूद रहने वाले हैं। वादा खिलाफी यात्रा के तहत कांग्रेस की ये रैली होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी दौसा के कांदोली गांव में ईआरसीपी के समर्थन में एक रैली को संबोधित करेंगी और वह दोपहर करीब 1 बजे दौसा के कांदोली गांव पहुंचेंगी। करीब 2 घंटे तक रैली स्थल पर मौजूद रहेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को देखते हुए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं आज दिन भर महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश रैली स्थल पर तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आई। इधर कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा, बांदीकुई विधायक गजराज खटाना और कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन भी रैली स्थल पर पहुंची और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी को लेकर राजस्थान की जनता से वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। राजस्थान के 13 जिले आज पानी की समस्या से परेशान और इसी को लेकर के देखिए, प्रियंका गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दौसा में ईआरसीपी पर कांग्रेस की ये रैली होने जा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी आज जनसभा को संबोधित करेंगी। दिल्ली से 11:30 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगी। जयपुर से 12:25 दौसा के लिए देखिए रवाना होंगी। ये हम आपको मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम बता रहे हैं। करीब 1 बजे कांदोली प्रियंका गांधी के पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और 3 बजे रैली में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। तो देखिए, ईआरसीपी का जो मुद्दा है वो राजस्थान में अब दिन पर दिन गर्माता हुआ दिख रहा है और देखिए कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी हुई है। और आज प्रियंका गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज प्रियंका गांधी जनसभा में ईआरसीपी को लेकर के बोलेंगे और देखना होगा क्या कुछ आज प्रियंका गांधी कहती है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी यहाँ पे आ रही हैं सिकराय में और मुझे खुशी है कि दौसा जिले के अंदर उनका पहला दौरा है। आज तक कभी वो दौसा में नहीं आई, तो दौसा के कार्यकर्ता आम जन उनको देखने, उनको सुनने के लिए बहुत उत्सुक है, बहुत आतुर है। हम उनका वेलकम करते हैं और जिस मुद्दे को लेकर वो ईआरसीपी को लेकर यहाँ पर आ रही है, जन जन की आवाज़ बनना चाह रही है। मैं समझती हूँ कि प्रियंका गांधी जी एक बहुत ज्वलंत मुद्दे के ऊपर अपना संदेश यहाँ से देंगी। हमारे सभी नेता सम्मानी अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, तमाम नेता, रंधावा जी यहाँ पर आएंगे। ये आज दौसा जिले के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन रहेगा और मैं समझती हूँ कि हजारों लाखों की तादाद में लोग उनको सुनने, उनको देखने आएंगे। ये आज की रैली बीजेपी के लिए बहुत बड़ा असर छोड़कर जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद पहली बार राजस्थान में प्रियंका गांधी आ रही है। कांग्रेस की एक विशाल जनसभा दौसा के कांदोली में आयोजित होगी। ईआरसीपी जनजागरण अभियान के तहत ये विशाल जनसभा आयोजित होने जा रही है। पंडाल सज चुका है, बीच में डोम लगाया गया है, दोनों तरफ टेंट आदि लगाए गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि 50,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं, 1,00,000 लोगों के शामिल होने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में पूरी तैयारियाँ की गई हैं। उद्देश्य ये है कि जो ईआरसीपी का मामला है उसको जनता के बीच कन्वे किया जाए, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार ये वादा किया कि ईआरसीपी को राजस्थान में लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की है। ऐसे में वादा खिलाफी के लिए ईआरसीपी के समर्थन में ये जनसभा आयोजित की जा रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के 13 जिलों की सबसे बड़ी समस्या पानी है और पानी के लिए ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी तब ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ था, लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया गया है। ऐसे में चुनावी सीजन है और चुनाव आने वाला है, ईआरसीपी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश जा रही है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल ईआरसीपी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जनता किससे कन्वे होगी, कांग्रेस से कन्वे होगी या भाजपा से, यह तो समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से पूरी राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा यह पानी है और ईआरसीपी को लेकर आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहां पर आने वाले हैं। प्रियंका गांधी के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मंत्री ममता भूपेश, प्रसादी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा, सह प्रभारी अमृता धवन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता यहां पर आएंगे और जो कांग्रेस की जो जनसभा होगी उसमें ईआरसीपी के मामले में भाजपा को घेरा जाएगा। ऐसे में दोपहर 1 बजे का ये प्रस्तावित कार्यक्रम है और इसी को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आशीष शर्मा, News 18, कांदोली, दौसा। तो चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। पीएम मोदी की